This series hit me here and here. वैसे एक बात है, अब इंडियन कंटेंट जो है वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो गया है, पर कुछ लोग अभी भी कहेंगे कि हमें क्या, हमको कौन सी पंचायत करनी है। हाँ जी बिल्कुल, जो कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमको करनी है। सो पंचायत की स्टोरी फॉलो कर रही है मॉडर्न एरा के मोहन भार्गवा को, जिसका नाम अभिषेक त्रिपाठी है। इन महाशय को सरकारी बाबू वाली नौकरी मिलती है बलिया के दूर गाँव फुलेरा में, और इन भैया जी को ना लोग वहाँ पे सचिव कह के बुलाते हैं। लेकिन बात यह है कि जो भैया को नौकरी मिली है वो उनसे खुश नहीं है, क्योंकि उनको किसी MNC में काम करके विदेशी कंपनी को प्रॉफिट दिलवाना था और वहां से अपनी झोली भरनी थी, और इनका जो ये प्लान था वो चौपट हो गया। लेकिन बेचारे करते भी तो क्या, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब इसी जॉब को किस परेशानी से, कठिनाइयों से और उल्लास के साथ करते हैं, वो हमें सीरीज में दिखाया गया है। अच्छा एक ना मैं चीज पूछना चाहूंगा स्टार्ट करने से पहले, जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना। कूल बॉय बनके शहर में रहना चाहोगे जहां पर तुम्हारे लिए कंपटीशन में 100 लोग हैं, या कूल बॉय बनके एक देसी गांव में रहोगे जहां पर तुम्हारे कंपटीशन में कोई भी नहीं है? लेकिन इस वाले ऑप्शन के साथ परेशानी ये है कि तुम्हारे जो सपने हैं वो चले जाएंगे। अगर इस सवाल का जवाब हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वरना ये सीरीज देख लेना, जवाब फिर खुद ही मिल जाएगा। तो चलो सीरीज की बात करें तो स्टोरी वाइज ये जो सीरीज है काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है। इसका हर एक एपिसोड अलग अलग सेगमेंट पर है। लाइक कहीं पर निचले तर की पॉलिटिक्स दिखाई जा रही है, तो कभी हमें ये समझाया जा रहा है कि विनाश काल में विपरीत बुद्धि कैसे हो जाती है। और इन सब पे बेस्ट चीज ये है कि जो सीरीज है वो हमेशा हमें स्पूफिंग करती रहती है कि ये चीज होने वाली है बाय कोच या बाय किसी और साइंस से, जो कि मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगी। सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से ग्रास रूट लेवल ऑफ इंडिया दिखाया गया है कि वहां पर रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और तौर तरीका क्या है। उन सारी चीजों को कंबाइन करके जैसे हमें प्रेजेंट करा गया है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर ना आई थिंक आई कैन गो फॉर डेज, सो मैं ना इसके आगे बढ़ता हूँ और करेक्टर्स की बात करता हूँ। लास्ट ईयर नेटफ्लिक्स पर मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था 15 अगस्त, जहाँ ना हमें ये दिखाया गया था कि एक चौल में रहने वाले लोग कितने ज्यादा वेराइटी हो सकते हैं, और इस सीरीज में भी वैसा ही है। जितने भी कैरेक्टर हैं सब के सब अपने में ही अलग है। सीरीज में ना दो कैरेक्टर ऐसे थे जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, एक तो प्रहलाद और दूसरा विकास। स्टार्टिंग से ही जो इनका कैरेक्टर है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको एंगेज कर लेगा अपने साथ। और जो इनका ओपनिंग सीन है ना वो मिठाई वाला, वो तो एक्सीलेंट है, क्योंकि वो सारी चीज हमने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में कराई होगा। और फिर कहा होगा कि किसको पता चल रहा है। इन दोनों कैरेक्टर के चेहरे पे ना आपको वो मासूमियत भी नजर आएगी, जो कि और अल्टीमेट लगती है। थ्रू आउट द सीरीज इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, पर इसके अलावा जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और प्रधान जी ने टॉप नॉच परफॉर्मेंस दिया है। ऑल्दो ये बात है कि रिंकी की जो मम्मी है उनका ज्यादा कैरेक्टर एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन एंड में जाके ना वो कहीं ना कहीं उस चीज को कवर अप करने के लिए एक स्टोरी ले आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगी, लेकिन आई एम नॉट बाइंग दैट। उनका कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन मुझे थोड़ा लैक लग रहा था। इसके अलावा आपको सीरीज में थोड़े बहुत लूप होल्स जरूर मिलेंगे और कभी कभार आपको थोड़े बहुत क्लिफ हैंगर भी, लेकिन जो क्लिफ हैंगर है वो एंड में जाके सॉल्व कर दिया गया है। एक जो सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर रहता है कि रिंकी है कौन। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल सी कि जो सीरीज है उसको ओवर एग्जैजरेट करा जा रहा है, जो कि सीरीज में आपको हमेशा देखने को मिलेगा हर एक एपिसोड में। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने डायलेक्ट जो पकड़ा है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और डायरेक्शन वाइज सीरीज काफी ज्यादा सूदिंग है। लेकिन अगर डेप्थ में थोड़ी बात करूं तो एपिसोड 2 में एक सिंगल शॉट है जो कि मेरा फेवरेट है। सीरीज में हर एक जॉनर अवेलेबल है, लाइक ड्रामा हो गया, हॉरर हो गया, एक्शन हो गया और कॉमेडी भी। इन सब के साथ आपको थोड़ा मॉडर्न जमाने का टेक भी मिल जाएगा, यानी कि गालियों का, पर वो भी इसमें ज्यादा नहीं है। तो सीरीज आप अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठ के देख सकते हैं, बस आपको कहीं मोरल लेसन ना मिल जाए। एंड बाय नोटिसिंग ऑल दैट आई एम गोइंग टू से पंचायत इज वर्थ वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।